Hello everyone, welcome to the live session with Amisha. And in this session we are going to discuss with Amisha ki unka kya strategy tha, kitna score aaya. Okay, ye sari cheeze hum dekhenge aur aapke liye kafi sare tips honge. Fine. So Amisha, please introduce yourself. Hi, I'm Amisha Banerjee and I scored 115 and this was my first attempt. I'm an OMS candidate. I'm from Kolkata, but I live here in Thane. Okay, that's great. And kitna score aapne expect kiya tha, like while preparing, aapka ek goal raha hoga na ki itna score mujhe chahiye. Kya score aapne socha tha? मेरा गोल था 130 135 इट वाज नॉट टू मच बिकॉज़ मेरा प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट था मैंने 2-2.5 मंथ्स में प्रिपेयर किया है और बट आई वाज आफ्टर द एग्जाम आई वाज एक्सपेक्टिंग 118 मुझे पता था कि मेरे क्या-क्या मिस्टेक्स हुआ है स्पेशली जीके में क्योंकि करंट अफेयर्स आया ही नहीं था इस बार और जीके आया था एंड आई प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स और इतने कम टाइम में जीके होता नहीं है सो That's why I thought 118 aega. So yeah, it came 115. So I think 2-3 marks the other, but you got jo apne predict kiya tha, aapko score aaya, right? And aapka kya preparation strategy tha? As you said that aapne sirf 2-3 mahine mein padha, okay, which is a really good achievement. Kyunki log kuch students aise bhi hote hain jo kafi din laga dete hain padhne mein, ek aadh saal bhi lag jata hai, par utna acha score nahi aa paata. To aapne aisa kya kiya? Kya strategy tha aapka? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था मतलब मैं अपने स्टाइल से पढ़ती हूँ तो मेरा ये था कि मैंने जहाँ से भी मुझे मटेरियल्स मिले मैंने सारे कलेक्ट किए मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मैंने बुक्स खरीदे और मैंने क्लैट के बुक्स भी नहीं छोड़े मैंने क्लैट के बुक्स भी पढ़ा वहाँ से भी और ऑनलाइन से भी पढ़ा ऊपर से जो स्टिकी नोट्स होते हैं क्योंकि मेरा लॉ में कोई बैकग्राउंड नहीं है सो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी तो मैंने स्टिकी नोट्स पे सारे जो आर्टिकल्स या लीगल मैक्सिम्स है वो सब लिख के मैंने सारे बेडरूम पे लगा के रखा था तो ऑटोमेटिकली जब मैं उठती हूँ या सोने जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे दिखता है सो ग्रेजुअली वो रिटेन हो जाता है सो ऐसे मैंने उसको याद किया फिर उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस डेली मैं करती थी और दिन में 10-15 घंटे में पढ़ती थी मतलब 10-15 घंटे ओके दैट्स अमेजिंग या क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एंड आई वाज हाईली मोटिवेटेड कि मुझे करना ही है मतलब एक ही बार में करना है आई एम ऑलरेडी 25 इयर्स एज सो आई कैन नॉट वेट एनी मोर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इस वजह से मुझे इसी बार करना था तो इस वजह से मैं सुबह 10 बजे उठ के पढ़ने बैठती थी और रात को 3-4 बजे सोती थी पर इसके लेकिन एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैंने वैसा नहीं किया एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैंने अच्छे से सोया और रिविजन दिया दैट्स इट That's very important क्योंकि क्या होता है कि अगर हम थोड़ा अर्ली प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो हमारे पास थोड़ा समय होता है वी कैन स्पेंड 4-5 आवर्स आपने 2-3 महीने में किया तो दैट्स व्हाई आपको सारी चीजें 2-3 महीने में करनी थी जिसके लिए आपका टाइम बढ़ गया और यू राइटली सेड कि लास्ट के जो एक हफ्ते होते हैं ना वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि तबियत खराब हो जाए वहां पे तो अगर हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं प्रॉपर चीजें मैनेज कर रहे हैं लास्ट के एक हफ्ते में वो इम्पोर्टेंट होता है ठीक है एंड सो ओवरऑल जो पेपर था 2021 का थोड़ा इजी था कंपेयर टू 2020 का पेपर राइट एंड सो इन फ्यूचर वी डोंट नो कि पेपर इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा बट मॉक टेस्ट आपने अब हमारे जो मॉक टेस्ट थे जो आपने दिए वो कितना यूजफुल था आपके लिए मैंने तो सिर्फ प्रिपेयर किया था लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या आता है और एग्जाम कैसे देना है तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था वहां से मुझे पता चला कि आप लोग मतलब आपका एक ऐप है और वहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैंने वहां पे जाके आपका वो मॉक टेस्ट खरीदा था और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने कोर्स नहीं खरीदा था क्योंकि तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट खरीदा और उसको मैंने प्रैक्टिस किया बहुत तो शुरू में मुझे दिखा था कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कितना कम है 80-90 मार्क्स आ रहे थे मुझे शुरू में तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ मैं मेनली कंप्लीट नहीं कर पा रही थी शुरू में तो बाद में जब मैंने जैसे ही प्रैक्टिस किया आपके 10 मॉक टेस्ट पेपर्स थे जंबल्ड वाले बहुत ही हेल्पफुल थे क्योंकि ये पहली बार था जो जंबल्ड क्वेश्चंस आएगा ये हमको
समझाना था. सो जंबल क्वेश्चंस बहुत यूजफुल थे उस मॉक टेस्ट में. लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने 115 के करीब ही स्कोर किया था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कैसा है. मुझे मैं OMS स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या प्रोसीडियर है. तो इट वॉज लाइक अ गाइडिंग हैंड. आई वॉज इन डायर नीड ऑफ अ गाइडिंग हैंड. And Vedicare acted like that. Thank you. Thanks. Mock test definitely most welcome. And definitely mock test important होते हैं. और हमने यही देखा है जो average score आता है ना students का mock test में, उतना ही score 2-5 marks ऊपर नीचे लोगों का actual score भी आता है. Okay. तो आप क्या tips देना चाहेंगे जो future aspirants हैं, जो लोग अभी exam लिखेंगे 2022 या 23 में, उनके लिए क्या tips होगा आपके side से? अगर बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. एवरी वीक मैं प्रैक्टिस करती थी. मतलब अगर बुक्स का मतलब अगर आपका मॉक टेस्ट हो गया तो मैं बुक्स से भी प्रैक्टिस करती थी. 2 घंटा करके मैं प्रैक्टिस करती थी. प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही टाइम जाएगा. और लेकिन वीक मतलब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ज्यादा टाइम नहीं देना. मतलब रिलैक्स करना है और जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है. अगर नया कुछ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना. लास्ट में जो हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो चारों ऑप्शंस इतने ओवरलैपिंग आते हैं कि इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि टाइम किल हो जाएगा वहां पे. सो जो भी पढ़ा है उसी को रिविजन देना है. दैट्स इट. ओके फाइन. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग द टिप्स फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स. आई होप जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको काफी सारी चीजें इस वीडियो से सीखने को मिलेगी. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ओके एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज. Thank you. And I would also like to say thank you for helping me. ये CAP अभी admission procedure भी चल रहा है. उसके उसमें भी मुझे आप लोग बहुत help कर रहे हैं. Thank you for that. Because मुझे कुछ पता नहीं है. मुझे कोई idea नहीं है. Definitely we will help you. आपको पूरी तरीके से हमारा जो goal है वो यही होता है कि हम students को start to end service दें. Okay. तो ताकि उनका जब तक admission नहीं हो जाए तब तक हम उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहते. Okay. So thank you so much. Okay.